हेलो, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। राजस्थान की चित्रकला की बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम प्राचीनतम चित्रण के अवशेष। राजस्थान में प्राचीनतम चित्रण के प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिले हैं? देखिए, पहले पहला पॉइंट है कोटा के आसपास चंबल नदी के किनारे के चट्टानों पर। देखिए, ये जितने भी प्राचीनतम चित्रण के अवशेष मिले हैं, चित्रण के प्राचीनतम जो अवशेष मिले हैं, ये अनेक स्थानों की शैलास्तर या फिर गुफाओं से मिले हैं, जिनमें पहले हम बात करेंगे। पहला है कोटा के आसपास चंबल नदी के किनारों पर जो शैलाश्रय है, गुफाएं हैं, और दूसरा है आलनिया नदी के किनारों की चट्टानों पर। और एक अन्य स्थान कौन सा है? मुकुंदरा व दर्रा की पहाड़ियों में जो शैलाश्रय हैं, उनमें भी जो है प्राचीनतम चित्रण के अवशेष मिले हैं। पुष्कर में अगस्त्य मुनि का आश्रम, स्वाई माधोपुर के शौलेश्वर व अमरेश्वर स्थानों के शैलाश्रय मतलब गुफाओं में जो है ये चित्रण के अवशेष मिले हैं, जो राजस्थान के प्राचीनतम चित्रण के अवशेष माने जाते हैं। कोटा के आसपास नर्मदा नदी के किनारों की जो चट्टानें हैं उन पर, आलनी नदी के किनारों की चट्टानों पर, मुकुंदरा व दर्रा की पहाड़ियों में, और पुष्कर में अगस्त मुनि के आश्रम से, स्वाई माधोपुर के शौलेश्वर अमरेश्वर स्थानों के शैलाश्रयों में जो गुफाएं हैं, स्वाई माधोपुर में जो शौलेश्वर अमरेश्वर स्थान जो हैं, यहाँ पे जो स्थित गुफाएं हैं, उन गुफाओं की दीवारों पर जो है प्राचीनतम चित्रण के अवशेष मिले हैं। तो ये स्थान थे जहाँ पर राजस्थान के चित्रण के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त होते हैं इन स्थानों से। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। देखिए, राजस्थान में प्राचीनतम चित्रण के जो अवशेष, प्राचीनतम चित्रित उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जो है कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पुराने प्राचीनतम दो चित्रित ग्रंथ हैं, ओद निरुक्तिवृत्ति। पहला चित्रित ग्रंथ है ओद निरुक्तिवृत्ति, और दूसरा ग्रंथ है दस वेकालिका सूत्र चूर्णी। ये दो ग्रंथ जो हैं राजस्थान में उपलब्ध प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ माने जाते हैं। दस वेकालिका सूत्र चूर्णी और ओद निरुक्तिवृत्ति और दस वेकालिका सूत्र चूर्णी ये राजस्थान की प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ माने जाते हैं। प्राप्ति स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये देखिए, ये जैसलमेर भंडार से प्राप्त हुए हैं, और ये किस समय के हैं? तो 1060 ईस्वी के हैं। समय काल है इनका 1060। ये जो हैं प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जैसलमेर भंडार से जो प्राप्त हुए हैं 1060 ईस्वी के हैं। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट जो है ये दोनों ही प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ माने जाते हैं। भित्ति चित्रण की बात करेंगे अब। तो देखिए, भित्ति चित्रण में सर्वाधिक लोक जीवन की झांकी किन भित्ति चित्रों में मिलती है? तो शेखावाटी के जो भित्ति चित्र हैं इनमें सर्वाधिक लोक जीवन की झांकी मिलती है, देखी जाती है। शेखावाटी भित्ति चित्रण की मुख्य विशेषता जो है, बल खातिर बालों की लटों का एक और अंकन जो स्त्री चित्रण में बल खाती बालों की लट का एक और अंकन जो है, ये शेखावटी वित्त चित्रण की प्रमुख विशेषता है। बात करेंगे वित्तीय चित्रण की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो कोटा बूंदी जो है ये वित्तीय चित्रण की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। बात करेंगे वित्तीय चित्रण की विधियों की। तो दो विधियां जो है वित्तीय चित्रण की प्रचलित है, फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को सेको। देखिए, फ्रेस्को बुनो जो है ये ताजी पलस्तर की नम दीवार पर की जाती है। फ्रेस्को बुनो जो है ताजी पलस्तर जो दीवार पर होती है उसकी नमी युक्त दीवार पर की जाती है, और उसी का स्थानीय नाम है अपने राजस्थान के अंदर आरआईएस या आला गिला पद्धति। फ्रेस्को बुनो का ही जो है स्थानीय नाम क्या है? आरआईएस या आला गिला पद्धति। आला गिला मतलब जो ताजी प्लास्तर है, गीली प्लास्तर में नम दीवार पर जो की जाती है भित्ति चित्रण किया जाता है फ्रेस्को बुनो। देखिए, फ्रेस्को बुनो जो है इसी का स्थानीय नाम क्या है? आरआईएस या आला गिला पद्धति। और फ्रेस्को बुनो ताजी प्लास्तर की नम दीवार पर किया जाता है। इसके बाद आता है फ्रेस्को सेको। ये जो है प्लस्तर की हुई मिट्टी को पूर्ण रूप से सूखने के बाद का चित्रण है सेको। सैसे यहाँ पे याद रख सकते हैं सेको सूखने के बाद, और
जो फ्रेस्को बोनो है ये नम दीवार पर ताजी प्लास्टर की जाती है। फ्रेस्को बोनो को आला गिला पद्धति या आरआईएस पद्धति भी कहते हैं, और फ्रेस्को सेको जो है प्लास्टर की जो मिट्टी है पूर्ण रूप से सूखने के बाद इस पर चित्रण किया जाता है। तो ये दो पद्धतियां हैं प्रचलित भित्ति चित्रण की। इम्पोर्टेंट बात है कि आला गिला पद्धति जो है फ्रेस्को बुनो कहलाती है, ताजी प्लास्टर की नम दीवार पर ये की जाती है। देखिए बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह लाहौर से मुगल शैली के उस्ताद चित्रकारों को बीकानेर लाए थे। कौन से महाराजा? अनूप सिंह। कहाँ के महाराजा थे? बीकानेर के। ये जो महाराजा बीकानेर के महाराजा थे अनूप सिंह, ये लाहौर से, कहाँ से? लाहौर से। मुगल शैली के, किस शैली के? मुगल शैली के। किन चित्रकारों को? उस्ताद चित्रकारों को। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह लाहौर से मुगल शैली के उस्ताद चित्रकारों को बीकानेर लाए थे। बीकानेर के महाराजा थे तो बीकानेर लाए थे, जिन्होंने बीकानेर में अति सुंदर चित्रण किया। इन्होंने जो है उस्ताद चित्रकारों ने जो लाहौर से लाए गए थे महाराजा अनूप सिंह के द्वारा, मुगल शैली के चित्रकार थे ये उस्ताद चित्रकार, और इन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य किए बीकानेर में। और ये उस्ताद चित्रकार थे इसीलिए ये उस्ताद कहलाए। क्या कहलाए? उस्ताद। और यहाँ पे मथेरन जाति के लोग इस कला में सिद्ध हस्त थे। कौन सी जाति के? बीकानेर की जो मथेरन जाति है, ये मथेरन जाति के लोग इस कला में सिद्ध हस्त थे, उस्ताद उस्ताद कला में, या फिर और उस्ताद चित्रकार क्या कहलाए? उस्ताद कहलाए। बात करेंगे राजस्थान की लघु चित्र शैलियों के प्रमुख चित्रकार। देखिए पहली जो है चित्र शैली है मेवाड़ शैली, शैली का नाम है मेवाड़ शैली। चित्रकार है, प्रमुख चित्रकार है हीरानंद, हीरानंद चित्रकार है, और चित्र ग्रंथ है सुपासन, सुपासनहचर्यम। चित्र क्या नाम है? सुपासनहचर्यम। और पोषक राजा है महाराणा मोक्कल, महाराणा मोक्कल। शैली का नाम है मेवाड़ शैली, चित्रकार है हीरानंद, और चित्र ग्रंथ का नाम है सुपासनहचर्यम। नेक्स्ट जो शैली है ये भी मेवाड़ शैली ही है, और मेवाड़ शैली के ही चित्रकार हैं साहिबद्दीन। इनके द्वारा चित्रित ग्रंथ है रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, इन विषयों पर चित्रित किए गए ग्रंथ हैं। और पोषक राजा है महाराणा जगत सिंह प्रथम। और मेवाड़ शैली का जो स्वर्णकाल है, इन्हीं चित्रकला का स्वर्णकाल जो है महाराणा जगत सिंह प्रथम को ही कहा जाता है। तो मेवाड़ शैली में हमने पहले डिस्कस किया था। देखिए हीरानंद के द्वारा जो है चित्रित ग्रंथ की रचना, चित्रित ग्रंथ जो है कौन सा है? सुपासन है, सुपासनहचर्यम, और ये महाराणा मोक्कल जो है इस समय के पोषक राजा थे।